हेलो भाई लोग, जैसे ही आपने गेम ओपन करा होगा तो आपको यहाँ पे तीन बंडल देखने को मिल रहे होंगे और इन तीनों बंडल्स पे लॉक लगे पड़े हैं। सो इन तीनों बंडल्स को कैसे अनलॉक करना है मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे सो आज आप इस बंडल को अनलॉक नहीं कर पाओगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक 100 लाइक्स का तो कम्प्लीट करवा देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो। जैसे ही आप गेम ओपन करोगे सो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक पोस्टर देखने को मिलेगा जिसपे लिखा होगा 100% टॉप अप बोनस। सो इसका क्या मतलब है आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा, सो मैं बता देता हूँ। सो जैसे ही आपने उस पोस्टर पे क्लिक करा होगा आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा 100 डायमंड, उसके नीचे 200 डायमंड, फिर से 200 डायमंड एंड फिर लास्ट में आपको 500 डायमंड देखने को मिला होगा। तो क्या हम इन डायमंड्स को क्लेम कर सकते हैं? तो क्या हम इन डायमंड्स को बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है, आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। अरे क्लेम तो कर सकते हो बट फ्री में क्लेम नहीं कर सकते यार। तो इसे क्लेम कैसे करना है? देखो ये 100 डायमंड क्लेम करने के लिए आपको पहले 100 डायमंड का टॉपअप करना पड़ेगा एंड जैसे आप 80 रुपए का टॉपअप कर लेते हो आपके पास 100 डायमंड तो आ जाएंगे, लेकिन अब एक्स्ट्रा में और 100 डायमंड यहाँ से ले पाओगे 100 डायमंड टॉप अप करने के बाद। और अगर यहाँ पे 300 डायमंड का टॉप अप कर लेते हो तो आप यहाँ पे 100 डायमंड तो क्लेम कर ही पाओगे, साथ ही उसके नीचे जो 200 डायमंड है उसको भी आप क्लेम कर पाओगे। सो देख लेना 300 डायमंड टॉप अप करने में आपको डबल डायमंड मिल जाएगा एंड अगर आप 500 डायमंड का टॉप अप कर लेते हो सो यहाँ पे आपको 100 डायमंड तो मिलेगा, 200 फिर से मिलेगा एंड फिर से 200 डायमंड और मिलेगा। तो भाई सब कुल मिला के बात ये, आप जितना भी डायमंड टॉप अप करते हो आपको उसका डबल डायमंड मिलने वाला है। अगर आप 1000 डायमंड टॉप अप कर लेते हो तो आपको 2000 डायमंड मिल जाएगा। सो डबल डायमंड टॉप अप हो रहा है तो अगर आप टॉप अप कर सकते हो तो टॉप अप कर लेना, देख लेना डबल डायमंड मिल रहा है तो अगर करना चाहते हो तो अभी कर लेना एंड बाद में भाई साहब आपको सिंगल डायमंड ही मिलेगा तो देख लेना यार। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। सो जैसे ही आप इवेंट सेक्शन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा इंक्यूबेटर लॉन्चर, उसके नीचे डायमंड रॉयल लॉन्चर, उसके नीचे वेपन रॉयल लॉन्चर। तो इसे कैसे क्लेम करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो जैसे आप यहाँ पे अपना रिसोर्स पैक होता है, जो रिसोर्स पैक होता है उसको जब आप फुल डाउनलोड कर लेते हो रिसोर्स पैक को, यहाँ पे आपको सारे के सारे रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। मतलब आपको बस रिसोर्सेस पैक को डाउनलोड करना है फिर आके अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम कर लेना है। सो सिंपल सा भाई ये क्लेम कर लेना, देख लेना बहुत ही सिंपल सा टास्क है यार, कंप्लीट कर लेना भाई। दो दो इंक्यूबेटर वॉन्चर्स मिल रहे हैं तो रिसोर्स पैक को डाउनलोड कर लेना, रिसोर्स पैक ही तो डाउनलोड करना है तो कर लेना यार। उसके बाद दो दो इंक्यूबेटर वॉन्चर्स मिल जाएंगे, क्या पता आपका इंक्यूबेटर में ही कुछ निकल जाए। तो जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे अब हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ भाई सही समझ रहे हो, अब हम बात करने वाले इन तीनों बंडल्स को कैसे अनलॉक करना है। मुझे पता है आपका तीनों का तीनों बंडल लॉक पड़ा है, मेरा तो भाई साहब कोबरा बंडल अनलॉक है क्योंकि जब कोबरा बंडल आया था ना तब मैंने कोबरा बंडल को निकाल लिया था, इसी वजह से मेरा कोबरा बंडल अनलॉक पड़ा है एंड बुया बंडल को मैंने नहीं निकाला था जिसकी वजह से मेरा बुया बंडल लॉक पड़ा है। तो आपके साथ भी यही हो रहा होगा, जो बंडल आपके पास है वो तो अनलॉक पड़ा है एंड जो नहीं है वो लॉक पड़ा है। सो सिंपल सी बात यही है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, जो बंडल आपने निकाला है वो बंडल आपका अनलॉक रहेगा एंड जो आपने नहीं निकाला है वो लॉक रहेगा। और जो ये तीसरा बंडल है ना ये रैम्पेज का बंडल है, ये बंडल भी जल्दी ही गेम में आने वाला है तो देख लेना यार, अगर आपको निकालना हो तो निकाल लेना। ये तीनों बंडल तभी अनलॉक होंगे जब आप इनके ऊपर डायमंड फूकोगे, जब आप इनको मतलब निकालोगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके यार याद से बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। किसी और वीडियो में तब तक के लिए बाय।